हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु पोदार, हेड ऑफ म्यूचुअल फंड रिसर्च एंड प्रोडक्ट। जैसा कि हमने लास्ट मंथ देखा, मार्केट में बहुत वॉलीटिलिटी थी एंड वॉलीटिलिटी अक्रॉस मार्केट हमने देखी। उसका मेजर रीजन जो था वो ऑन गोइंग इलेक्शंस था, जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज जो मार्केट में आ रहे थे उसके अगेंस्ट मार्केट यू नो रिएक्ट कर रहा था एंड इन्वेस्टर्स उसके अगेंस्ट हमने उसमें रिएक्शन देखा। सेकेंड जो मेजर रीजन था, FIIs एनी विच वे इज नॉट देयर इन द मार्केट्स सिंस क्वाइट अ बिट, एंड दैट वॉज द अदर रीजन जिसकी वजह से मार्केट्स में हमने काफ़ी वॉलीटिलिटी देखी। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हमने दो बहुत अच्छे यू नो स्टैंड देखे। एक था जहाँ पर SIP बुक बहुत अच्छे से बिल्टअप हुआ है एंड जहाँ पर 20,000 करोड़ का अप्रॉक्स SIP बुक मंथ ऑन मंथ आ रहा है, जो मार्केट को भी सपोर्ट कर रहा है। और इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स को भी और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को भी काफ़ी अच्छे से हेल्प कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज हैं इन द म्यूचुअल फंड स्पेस, जो लाइक बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, वो भी मार्केट में और इन्वेस्टर्स में काफ़ी अच्छे से पॉपुलर हुई हैं और इन्वेस्टर्स ये स्ट्रैटेजीज का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इन दिस काइंड ऑफ अ करेक्शन जो हमने लास्ट कपल ऑफ डेज में देखा है, इस करेक्शन से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेव करते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम आने वाले समय की बात करते हैं तो मार्केट में देयर आर द डिफरेंट फैक्टर्स। डेफिनेटली इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर मार्केट में काफ़ी तरह के डिस्कशंस चल रहे हैं, काफ़ी तरह के थॉट्स आ रहे हैं। बट क्लियर मैंडेट प्रोबेबली द मोदी 3.0 वर्जन विल कम इन द मार्केट विद द अलायंसेस। तो इसमें इन्वेस्टर्स को जो समझने का है उसमें वन थिंग इज, जिस तरह से मोदी सरकार और BJP को पहले यू नो फुल मैंडेट था एंड देवर कमिंग आउट विद अ वेरी पावर्ड काइंड ऑफ अ डिसीजन, अभी वो कहीं ना कहीं अगर वो अलायंसेस के साथ आते हैं तो वो डिसीजंस आपको अलायंसेस को लेकर चलना पड़ेगा। प्रोबेबली रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बोले तो रिफॉर्म्स में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा वेलफेयर काइंड ऑफ स्कीम्स एंड रादर देन यू नो प्योर ऑन द डेवलपमेंट साइड वो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं अगर अगर यू नो BJP गवर्नमेंट आता है विद द अलायंसेस। So in this entire scenario, because as of now this is the hot topic in the Indian markets, because this election is impacting on the investors' psyche. इस scenario में investors को क्या करना चाहिए? अगर आप investors point of view से देखें तो investors को अपने portfolio को market correction के हिसाब से ना देख के कहीं ना कहीं अगर वो अपना risk appetite measure कर सकते हैं या अपने goals को मेजर करके उसके हिसाब से अगर वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं वो अच्छा है। डेफिनेटली यू नो करेक्शन गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट अगर आप उसको अलाइन करके यू नो अपने गोल के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। मार्केट्स में अगर यहाँ से देखें तो जब तक यू नो आने वाले समय में बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, लाइक मानसून हुआ, अपकमिंग रिजल्ट्स हुए, आने वाले समय में अदर ग्लोबल भी हमको बहुत सारे इलेक्शंस देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग US, तो वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट फैक्टर्स के वे में आपको मार्केट में दिखती रहेगी एंड दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। बट इन्वेस्टर्स को मार्केट पे रिएक्शन ना करते हुए अपने गोल पे स्टिक रहें, आप इन्वेस्ट करें। एंड यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कुछ एक सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, लाइक अगर हम बात करते हैं PSU सेक्टर्स की, PSU में हमने बहुत अच्छी रैली देखी, इवन मिड एंड स्मॉल कैप कोविड के बाद अराउंड 500+ काइंड ऑफ रिटर्न्स दिया है मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ने। तो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्टर्स बहुत ओवर वैल्यूड जोन में थे। आफ्टर दिस करेक्शन आई वोंट से मच करेक्शन, बट लास्ट 2 डेज में वी हैव सीन अराउंड 2.5-3% काइंड ऑफ अ करेक्शन इन द Nifty 50। बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स वी हैव सीन अ गुड करेक्शन एंड दिस कुड बी वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट बी अलाइन विद योर गोल, मेजर योर रिस्क एपेटाइट if you can and then only invest in this market. Going forward market volatile rehne wala hai until you know new government form and new government ke jo bhi aane wale samay mein 5 saal ka unka kya theme rahega, kis pe wo focus karne wale hain, ye sab lekar aage aane wale samay mein thoda sa hum volatility dekh sakte hain. So market mein investors ko main yahi salah dungi ki be patient with your portfolio.
Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.